नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आप सभी के लिए और आपके समक्ष रहने वाले, आपके परिवेश में रहने वाले समस्त पाठकों, पढ़ने के इच्छुक बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है। मित्रों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे विद्यालय का परिचय कराऊंगा जो भारत में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो सबसे उत्तम शिक्षा प्रदान करता है किसी भी बच्चे को, भले ही वह किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, सभी के लिए वह विद्यालय अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया है। तो उस विद्यालय में क्या नियम है प्रवेश करने के, वहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है, बालक का भविष्य वहाँ कैसे बन सकता है, ये सब सभी जानकारी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप अच्छी प्रकार से इस पूरे वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको यह योग्य लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम अपने संतान को, अपने पुत्र को, अपने भाई को या अपने मित्र को एक योग्य बनाएं, एक संस्कारी बनाएं, एक अपनी संस्कृति को पहचानने वाला बनाएं और सभी से उसको सम्मान दिलाने वाला बनाएं, तो आप अवश्य इस विद्यालय में प्रवेश कराएंगे और आप इसको सम्मति देंगे। तो इससे पहले आप सभी से आशा करता हूं, यदि आप इस चैनल में अभी नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस जानकारी को सभी तक प्रसारित करें, फैलाएं। तो हम अब अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र विद्यालय, जानिए क्या है प्रवेश के नियम। तो इसके संबंधित हम सूचना जानते हैं, जानकारी जानते हैं, आपको इसके टाइटल में और थंबनेल में दिख रहा होगा, चित्र लगे हुए हैं और लिखा है, ये वास्तविक यही है। अब हम अग्रिम सूचना की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम सूचना है गुरुकुल धनुर्विद्या संस्थान, यह वहां का एक विभाग रूप में होगा और नीचे सूचना लिखी आश्रम गंग नहर के किनारे शांत माहौल में स्थित है। अब मैं उसके बारे में बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जनपद में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुल प्रभात आश्रम नाम से एक सुप्रसिद्ध विद्यालय है, उसी के बारे में मैं आप सभी के सामने जानकारी पेश कर रहा हूं। तो वह आश्रम गंग नहर, यानी कि वहां गंगा है तो उसके किनारे शांत माहौल में स्थित है, स्थापित किया गया है और 1972 में हुई थी इस गुरुकुल की स्थापना। इतना प्राचीन विद्यालय है वह, आप सभी को दिख रहा होगा, उसका परिवेश दिख रहा है, उसके दृश्य दिख रहे हैं। गुरुकुल प्रभात आश्रम 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और है आज भी, सदियों पुरानी परंपराएं चल रही हैं। कहने का मतलब है जितनी प्राचीन परंपराओं के द्वारा जो ज्ञान होता है वो इसी गुरुकुल में सिखाया जाता है और आधुनिकता में भी यह पीछे नहीं है। जो भी समय के अनुसार हमें जो कुछ सीखना चाहिए वो सब कुछ इसमें सिखाया जाता है और 1993 में यहाँ तीरंदाजी की ट्रेनिंग शुरू कराई गई। तीरंदाजी यह प्रतियोगिता से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे। तो 1993 में, इतनी प्राचीन बात है, यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू कराई गई थी। आप सभी देख रहे होंगे जो वहाँ के छात्र हैं वह धनुष बाण लेकर के धनुर्विद्या में पारंगत हैं, तो इन खेलों के माध्यम से वह उस विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। अब अग्रिम क्या है बिंदु, वह स्वामी विवेकानंद सरस्वती को जाता है सफलता का श्रेय, कहा गया है जो हमारे राष्ट्र के सबसे उत्तम व्यक्ति कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके विचारों पर, जिनके कथनों पर आज हम भी चलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो उन्होंने इस विद्यालय से अध्ययन करके सफलता को प्राप्त किया था, ऐसा सुना जाता है। फिर है आश्रम के लोग केवल संस्कृत में है करते हैं बात,
मुख्य क्या है, संस्कृत उस विद्यालय का, क्योंकि प्रत्येक इस पृथ्वीवासी की जो मूल भाषा है वो है संस्कृत, तो उस संस्कृत से ही अन्य अंग्रेजी आदि जो भी भाषाएं हैं उसी से उत्पन्न हुई हैं, तो वहाँ मूल चीज चलती है, यानी कि संस्कृत का ही वहाँ पर अध्ययन चलता है और संस्कृत में ही बात करते हैं वहाँ पर, यही वहीं यह वहाँ की विशेषता है। फिर है, छात्रों ने देश विदेश में 160 से ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। उस विद्यालय का उद्देश्य यही है, विदेशों से पुरस्कारों को ला करके, गोल्ड इत्यादि को ला करके अपने विद्यालय, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने राज्य, अपने जनपद का नाम रोशन करना। तो 160 से ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, ये वहाँ की उपलब्धि है, हमें बड़ी प्रसन्नता होनी है। तो फिर है, योग और मेडिटेशन पर दिया जाता है जोर, अर्थात योग और मेडिटेशन ये दोनों वहाँ के प्रमुख चीज़ें हैं जिन पर जोर दिया था, जिनको प्रधान रूप से पढ़ाया जाता है। आप सभी को दिख रहा होगा पुस्तकों का चित्र, और बाकी विषय तो वहां अनिवार्य है ही हैं। अब है, यहां तीरंदाजी का लक्ष्य देश के लिए मेडल लाना है, मतलब यहां जो तीरंदाजी जो होता है, जिस पर वहां पर तैयारियां की जाती हैं, उसका लक्ष्य यही है, देश के लिए मेडल लाना, देश के लिए पुरस्कार एकत्रित करना। अब मित्रों, वहां हम किस प्रकार से प्रवेश करें, बच्चे को वहाँ किस प्रकार से हम प्रवेश करें, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इस बार कब प्रवेश हो रहा है वो हम जानते हैं, वो प्रतिवर्ष बच्चों का प्रवेश कराते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, उस विद्यालय में प्रवेश करना सबसे कठिन है। प्रवेश करना कठिन इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो रत्न हैं, रत्न रूपी विद्या वहाँ प्राप्त होती है, उत्तम विद्या प्राप्त होती है, वह वास्तव में आप सभी जानते ही हैं। यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो वो यदि महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो तो दुर्लभ ही होती है, तो इसलिए वहाँ प्रवेश करना कठिन है। तो यदि हम यदि प्रयास करें तो सरलता से प्रवेश कर सकते हैं, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो यह है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, गुरुकुल प्रभात आश्रम टीकरी भोला झाल मेरठ उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित की जा रही है यह प्रवेश परीक्षा, अर्थात तो वहां पर आप अपने बच्चे को प्रवेश कराएं। वो कैसे, दिनांक है 25 जून 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक जो वो परीक्षा होनी है, वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व हमको बताया गया है कि जैसे हम उस यदि वहाँ बच्चे को प्रवेश करा रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें। फिर है, समय है, प्रथम सत्र अर्थात दो सत्रों में परीक्षा होगी। प्रथम सत्र है प्रातः 8 बजे से और द्वितीय सत्र है मध्याह्नोत्तर काल अर्थात सायं का काल जब दिन ढल जाता है 2 बजे से, तो दो श्रेणियों में परीक्षा होनी है। इस प्रकार से परीक्षा होनी है 25 जून से लेकर के 30 जून के मध्य में। तो इससे संबंधित अन्य क्या नियम है, किन विषयों के आधार पर वहाँ बच्चे को प्रवेश कराया जाता है वो हम सब जानते हैं। तो पहला नियम है, प्रवेश परीक्षा COVID-19 के नियमों के आधार पर ही की जाएगी, अर्थात जो वर्तमान में COVID-19 के नियमों का पालन हम सभी कर रहे हैं उन नियमों का पालन करते हुए ही सब कुछ वहाँ कराया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी के पास मास्क एवं सैनिटाइजर अनिवार्य है, ये सभी आप जानते ही हैं। दूसरा नियम है, गुरुकुल परिसर में केवल परीक्षार्थी को ही प्रवेश की अनुमति है, यह वहाँ का एक अमूल्य बड़ा सुंदर नियम है, वहाँ अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रत्येक बच्चे की वहाँ बहुत ही सुरक्षा की जाती है, तो इसलिए वहाँ पर अन्य कोई नहीं जाएगा, मात्र बच्चे को ही, परीक्षार्थी को ही वहाँ प्रवेश की अनुमति होगी। तृतीय नियम है, COVID-19 के नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों की आवास व भोजन आदि की व्यवस्था गुरुकुल में नहीं होगी, क्योंकि आप यदि अपना वहाँ बच्चे को प्रवेश कराने जा रहे हैं तो अपनी व्यवस्था आप स्वयं करें। चौथा है, विद्यार्थी का प्रवेश केवल कक्षा 6वीं ही होगा, कहने का मतलब है 5वीं पास वह किसी भी विषय से कर चुका हो, वो भारत के किसी भी राज्य का हो, मात्र अब हम उसका 6ठी में एडमिशन करवा रहे हैं, 6ठी में प्रवेश करा रहे हैं, तो उसी में ही उसका प्रवेश होगा, न उससे कम होगा न उससे ज़्यादा। पांचवा नियम है, विद्यार्थी कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उसकी आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रायः है, यदि बच्चा 5वीं पास करा होता तो उसकी उम्र प्रायः 10 वर्ष होती है। छठा नियम है, विद्यार्थी मानसिक व शारीरिक रूप से महत्वपूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, कहने का मतलब है
शारीरिक रूप से स्वस्थ कहने का मतलब है उसको कोई गंभीर किसी प्रकार का रोग ना हो। वैसे तो सामान्य तो जो छोटे मोटे होते हैं वो तो चलते रहते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन और मानसिक रूप से कोई उसमें विकृतियां इस प्रकार का ना हो, यह हमारा छठा नियम है। सातवां नियम है, प्रवेश परीक्षा हेतु उपर्युक्त दिनांकों में आप गुरुकुल प्रभात आश्रम में ही पहुंचे। उपर्युक्त दिनांक बोली है 25 जून 2021 से लेकर 30 जून के मध्य। एक बार पुनः देख लेते हैं जो ऊपर बताई गई है, जो प्रवेश परीक्षा दिनांक है 25/6/2021 से 30/6/2021 तक इस प्रकार से प्रवेश परीक्षा होगी। इन समय के बीच में हम वहां पर प्रवेश कर सकते हैं, किसी न किसी समय हम जाकर के बच्चे का प्रवेश वहां पर करा सकते हैं। अब जो सातवां आठवां नियम है वह है, सभी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में अपनी लेखनी पेन स्वयं लाएं। यह बड़े गहरे नियमों को उनने सर्वप्रथम ही बता दिया गया है ताकि किसी को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और फिर नवा जो नियम है वो है, सर्वप्रथम लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, अर्थात सर्वप्रथम बच्चे को लिखने के लिए दिया जाएगा, जो लिखित परीक्षा का आयोजन होना है वो होगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पुनः मौखिक परीक्षा ली जाएगी, तदनुसार विद्यार्थी का चयन होगा। उसकी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उसको पूछा जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता है, तो उसके अनुसार ही उसका फिर चयन होगा, उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। अंतिम नियम है दसवां, विद्यार्थी के चयन में गुरुकुल प्रभात आश्रम के व्यवस्थापकों व परीक्षकों का निर्णय अंतिम मान्य जाएगा, अर्थात कोई बाहर से किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई अन्य योग्यताएं नहीं होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे के अंदर तो यह है तो प्रवेश क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ के नियमों के अनुसार, वहाँ के व्यवस्थापकों और परीक्षकों के अनुसार ही वो नियम होगा। तो इस प्रकार की यह समस्त जानकारी उस प्रभात आश्रम में प्रवेश कराने की है, तो आप इनको अच्छी प्रकार से देख ले, और स्वयं यदि आपको यह योग्य लगता है तो आप यदि अपने बच्चे को संस्कारी और कल्याणमयी जीवन वाला बनाना चाहते हैं तो आप अवश्य इस विद्यालय में प्रवेश कराने के विषय में अवश्य विचार करें। तो आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आप अन्य लोगों को भी इस वीडियो को प्रेषित अवश्य करें, जिससे आप सभी को लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।